नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर एक एडवर्ब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकती है चाहे वो एडजेक्टिव क्यों ना हो वर्ब क्यों ना हो एक एडवर्ब खुद क्यों ना हो एक प्रपोजिशन हो कंजंक्शन हो फ्रेज है क्लॉज है या पूरा का पूरा सेंटेंस क्यों ना हो हाँ ये सारे काम एडवर्ब कर लेती है नमस्कार दिस इज कपल शर्मा एंड आई अगेन वेलकम यू टू चैनल इंग्लिश बाय कपल शर्मा इन अ न्यू सीरीज न्यू चैप्टर न्यू पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज गोइंग टू बी एडवर्ब्स इन इंग्लिश और काफी समय से मोस्ट अवेटेड टॉपिक रहा अभी तक का एडवर्ब्स के वीडियोज कब डालेंगे एडवर्ब्स के वीडियोज कब आएंगे तो भाई अभी वर्ब फिनिश करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक एडवर्ब ही बचता है तो की बात कर लेंगे। इसके बाद, voice, आगे पढ़ते रहेंगे step step. तो नई सीरीज में स्टार्ट करता हूं एडवर्ब्स के साथ कोई नया हो चैनल पर तो वापस देख लीजिएगा प्ले ओपन करके आपको हर चीज मिल जाएगी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल्स वर्ब्स बेसिक वर्ब्स एडवांसिपल टाइम मैं पढ़ा चुका हूं और जो बची हुई चीजें हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे मिलती रहेंगी तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल स्क्रॉल करके एक बार आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिएगा चाहे वो ग्रामर की प्ले आपको चाहिए हो अवेलेबल है वोबलरी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है जो बच्चे मेरे साथ हैं एस के एग्जाम्स के बैंकिंग एग्जाम्स के या फिर यूपीएससी सी डिफेंस जैसे एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर हर साल में सॉल्व कराता हूँ वापस रहेंगे और प्रीवियस ईयर एक बचा कर लीजिएगा 2019 के पेपर 20 के पेपर 21 के पेपर आपको मेरे चैनल पर उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और कुछ वीडियोस सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्लोज टेस्ट के भी मौजूद हैं एक बार मैं करूं देख लीजिएगा प्ले कुछ इस तरह आपको दिखेंगी पूरी ग्रामर अवेलेबल है तो इंडिविजुअल पार्ट ऑफ स्पीच पर आपको मिल जाएगी नाउन की अलग प्ले है प्ले सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा प्रोनाउन की प्लेलिस्ट है एडजेक्टिव्स की प्लेलिस्ट है आर्टिकल्स की प्लेलिस्ट है जैसा आपसे कहा आप चाहे स्पोकन इंग्लिश कहीं घूमने फिरने गया तो ट्रेवल ब्लॉगिंग के और कुछ म्यूजिक के भी वीडियोज हैं आप चाहें तो चेक कर सकते हैं तो सिर्फ एक वीडियो एक सब्जेक्ट एक टॉपिक ना देखकर एक बार स्क्रॉल करना आपको बहुत कुछ कॉन्टेंट इस चैनल पर मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी एक फ्री क्लास डेली रहती है शाम पांच बजे अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल बैंकों पर आप सभी से रिक्वेस्ट है जो मेरे साथ स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं शाम पांच बजे आप मेरे साथ मिलकर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही पढ़ सकते हैं डेली आई रिपीट डेली शाम पांच बजे वुड लव टू सी यू आउट दैट टेलीग्राम चैनल से आपको लिंक मिल जाएगी जो अन पर हो शाम सात बजे ग्रामर के लिए क्लासेस रहती है जो पेड है

छह महीने में अप्रैल मे जून 2022 थाउजेंड में होने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी ऐप पर अभी अभी रिसेंटली एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जो लोग चाहे मेरे साथ पढ़ना मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं एक बार गूगल प्ले स्टोर पर डालिए टाली, डालिएगा कपिल देव शर्मा या फिर इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा आपको ऐप मिल जाएगी और आप वहां से मेरे साथ पढ़ सकते हैं वीडियोज ऑन डिमांड भी अवेलेबल है और हाँ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम मेरे म्यूजिक चैनल ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम बच्चों के लिए मस्ट है जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज गेट्स मी ऑन इंग्लिश बाय बायिलेव शर्मा क्लासेस के नोटिफिकेशन फ्री क्लासेस पीडीएफ वो सब आपको वहां से मिलती रहेगी अन अकेडमी पर प्लस एजुकेटर हूं सब्सक्रिप्शन चाहे वो बैंक एस एस सी यूपीएससी एनडीए डिफेंस एयरफोर्स नेवी नाइन टेंथन ट्वेल्थ किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन क्यों ना हो इंडिया लार्जेस्ट एंड ऑनलाइन

हिसाब से उनका यूसेज बढ़ता जाता है उनके यूज और वाइड होते जाते हैं ज्यादा जगह पर उसे यूज किया जाता है जैसे हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़ने के बाद एडजेक्टिव पढ़े थे जो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का मीनिंग एड कर लेते हैं उसकी मीनिंग में कोई क्वालिटी क्वांटिटी ऐसी कोई भी चीज जोड़ी जा सकती है शक्ल से दिखता है कि एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करती होगी आई रिपीट उसकी स्पेलिंग दिखाती है एड वर्ब मतलब जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करती है उसको एडवर्ब कहा जाता है ये हमें पढ़ाया भी क्या हमने भी पढ़ा सही भी है इसमें कोई कमी नहीं है लेकिन इसके अलावा भी एडवर्ब के बहुत सारे काम होते हैं ऐसा नहीं है कि एक एडवर्ब सिर्फ़ और, सिर्फ वर्ब, वर्ब, और पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकती है सर ये कैसे मतलब इतने सारे काम वो अभी स्टेप बाय स्टेप आप इसी वीडियो में देखेंगे आई रिपीट

को रिप्लेस करने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है इन दोनों की ही क्वालिटी क्वांटिटी दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं यानी कि एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी क्वांटिटी दिखा सकते हैं Position दिखा सकते हैं बहुत सारी कुछ भी मीनिंग में एड करना है किसी नाउन के या प्रोनाउन के वो काम एडजेक्टिव करते हैं तो नाउन और प्रोनाउन का तो रिजर्वेशन हो गया बिकॉज इनका मीनिंग तो कौन एड कर सकता है एडजेक्टिव एड कर सकते हैं अब बाकियों के मीनिंग में कौन एड करेगा तो वो काम एडवर्ब कर लेती है आई रिपीट एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती है एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर सकती है देखेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप कैसे एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है एक एडवर्ब प्रपोजिशन को मॉडिफाई कर सकती है एक एडवर्ब कंजंक्शन को मॉडिफाई कर सकती है प्रेज को मॉडिफाई कर सकती है दो तीन शब्द कह दो क्लॉज को मॉडिफाई कर सकती है पूरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसके पास हो छोड़िए पूरे सेंटेंस को भी एडवर्ब मॉडिफाई कर सकती है आई रिपीट नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव है प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव है इंटरजेक्शन मॉडिफाई होते नहीं है बिकॉज मान लीजिए कोई सरप्राइज वाला शब्द है वाव अब वाव में वेरी लगा के मैं क्या दिखा दूं कि वेरी वाव बहुत सारा वाव कम वाओ थोड़ा सा वाओ इंटरजेक्शन फीलिंग्स और इमोशंस दिखाते हैं तो ये मॉडिफाई होते नहीं है इनके अलावा और नाउन और प्रोनाउन के अलावा क्यों बिकॉज उनका मॉडिफाई उनको मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव करते हैं अब कोई एकदम से सुन के जज ना करे नहीं नहीं सर कुछ ऐसी भी एडवर्ब होती हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करती हैं आराम से देख लेंगे फर्स्ट सेशन है फर्स्ट डे है लास्ट डे नहीं है आगे वेरिएशन देखते रहेंगे बट हां ऑन द वेरी फर्स्ट डे फर्स्ट इमेज फर्स्ट ग्लैंड कि नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव कर सकते हैं प्रोनाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव कर लेते हैं तो इन दोनों का काम मॉडिफाई तो तो कर सकती है हा मैंने माना कुछ ऐसी भी एडवर्ब होती है दो चार आपकी जो नाउन या प्रोनाउन का भी मीनिंग मॉडिफाई कर लेती है बट उनको साइड रखो वो डिस्टिंक्शन नहीं दिखाती वो जरा सा है ठीक है इसके अलावा जो बेस काम है जो मेन फंक्शन है एडवर्ब का वो बाकी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करना है मैं एक बार फिर से बोल नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर एक एडवर्ब सारे पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकती है चाहे वो एडजेक्टिव क्यों ना हो वर्ब क्यों ना हो एक एडवर्ब खुद क्यों ना हो एक प्रोपोजिशन हो कंजंक्शन हो फ्रेज है क्लॉज है या पूरा का पूरा सेंटेंस क्यों ना हो हाँ ये सारे काम एडवर्ब कर लेती है कैसे

प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है तो कैसे बना वो भी देख लेते हैं एक बार। और दूसरे के भी मुझे नहीं पता रिच क्या होता है एडजेक्टिव है, है मुझे लगता है प्रपोजिशन होता है कंजंक्शन है भगवान जाने हम वेरीफाई कर लेंगे कैसे अब ये ब्यूटीफुल शब्द जो यहां पर है सुंदर मॉडिफाई किसको करेगा किसका मीनिंग आपने चेंज किया है जो रिच शब्द यहां पर है ये किसको मॉडिफाई करेगा किसका मीनिंग चेंज किया है अब जिसका भी करेगा बेसिक्स मुझे पता है अगर नाउन और प्रोनाउन का मॉडिफाई किया होगा तो मैं इसको एडजेक्टिव कह दूंगा बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को किया होगा तो फिर मैं इसको एडवर्ब कह पाऊंगा वो एडजेक्टिव है ये एडवर्ब है और साफ दिख रहा है बच्चों वाली कहानी कि शी इज ब्यूटीफुल मै ये इज ब्यूटीफुल नहीं है कि ब्यूटिफुल ने मीनिंग मॉडिफाई किया हो इज का कि जी वर्ब जो है ना वो बहुत सुंदर है वर्ब ब्यूटिफुल नहीं है वर्ब का मीनिंग मॉडिफाई नहीं किया आपने ऑब्वियसली शी का मीनिंग मॉडिफाई किया है वो सुंदर है जो जिसके लिए भी ये शी इस्तेमाल हुआ है फॉर एग्जाम्पल कोई नाम मैंने यहां पर लिख दिया ये पूजा इज ब्यूटिफुल यहां पर ऑब्वियसली पूजा के लिए वो ब्यूटिफुल वर्ड है इज ब्यूटिफुल नहीं है पूजा ब्यूटिफुल हो सकती है और उस केस में पूजा नाउन है शी प्रोनाउन है

और जब किसी नाउन या प्रोनाउन का मीनिंग आपने मॉडिफाई किया है तो आपको एडजेक्टिव ही कहा जाएगा इस केस में रिच हमेशा एडजेक्टिव है बचपन से देखा है एक कॉमन वर्ड है हम सब जानते थे तो अगर कोई नए सिरे से भी शुरुआत करे तो मैंने वो भी आपको मांग कर दिया कि शी प्रोनाउन है किसी के नाम के स्थान पर लिखा होगा ही प्रोनाउन है किसी के नाम के स्थान पर लिखा होगा और ब्यूटीफुल ने शी का मीनिंग मॉडिफाई किया वर्ब का नहीं रिच ने भी ही का मीनिंग मॉडिफाई किया वर्ब का नहीं और नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है यहां तक तो क्लियर है अब एक एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई कर सकती है वो भी देख लेते हैं चार एग्जाम्पल यहां पर लिखे हुए तो था इज रिच में वर्ब है और वो उसके लिए एडजेक्टिव था एक सेंटेंस लिखा है यू आर एब्सोल्युटली राइट इसकी भी पार्सिंग कर लेंगे अभी तो मुझे दो की पता है यू प्रोनाउन होता है

अगर आपने नाउन को मॉडिफाई किया है तो आपको एडजेक्टिव कहना पड़ेगा अगर आपने वर्ब को मॉडिफाई किया है तो आपको एडवर्ब कह देंगे etc. और आशा करता हूं कि शी इज ब्यूटीफुल सुंदर है शी इज वेरी ब्यूटिफुल बहुत सुंदर है तो ये बहुत शी के लिए नहीं है कि वो बहुत ज्यादा शी है ये वेरी इज के लिए नहीं है कि वो बहुत ज्यादा है पर हां सबको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा सुंदर है और ब्यूटिफुल अपने आप में एडजेक्टिव था एजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को आपको एडवर्ब ही कहना पड़ेगा इन द वेरी वेरी फर्स्ट जो आपने बीच में शब्द यूज किया है दैट मस्ट बी एन एडवर्ब आई रिपीट बहुत से she is very वो सुंदर है ये उसके बारे में जानकारी थी पर वो बहुत सुंदर है जानकारी टोटली उसी के बारे में है पर इन दोनों शब्दों को अगर अलग अलग नजर से देखा जाए तो वो सुंदर है एजेक्टिव बहुत सुंदर है काफी सुंदर है बहुत ज्यादा सुंदर है सुंदर एडजेक्टिव था एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब कर लेती है दोबारा देखते हैं इसी बात को। मैंने लिखा वो बहुत पैसे वाला है।, या फिर है रिच मैंने अभी अभी पढ़ा था एडजेक्टिव है और वो काफी पैसे वाला है बहुत पैसे वाला है अब वेरी ने यहां पर ही को मॉडिफाई नहीं किया वेरी ने यहां पर को मॉडिफाई नहीं किया कि बहुत ज्यादा वो है बहुत ज्यादा है

वर्ब है पता है दिख रहा होगा वैसे तो कि राइट हमेशा एडजेक्टिव होता है नहीं भी दिख रहा हो तो आप बना लीजिए आप अच्छे हैं आप बुरे हैं आप पैसे वाले हैं आप मेहनती हैं आप गरीब हैं ई टी सी और ये सब बातें आपके बारे में हो रही हैं आप एक इंसान हैं नाउन है या प्रोनाउन है और नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है तो वो तो मुझे भी पता है कि राइट क्या है राइट हमेशा ही एडजेक्टिव है पर आप सही है पूर्णतः सही नहीं है ठीक है बस मान ली आपकी बात आप कोई ये मत समझिएगा आप बहुत ज्यादा तौर पर सही है पर यू आर राइट और कई बार स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं यू आर एब्सिल्यूटली राइट आप बिल्कुल सही हैं। हाँ अभी भी मैंने वेरीफाई किया आपका आंसर सही नहीं है हंड्रेड परसेंट सही है बिल्कुल सही है अब राइट अपने आप में एडजेक्टिव है और जिस भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई आप करेंगे जिस शब्द से करेंगे वो काम हमेशा किसी एडवर्ब का ही हो सकता है

क्यों चलना आता है क्या सबको आता है शी रंस वो चल लेती है वो तो अभी तीन साल की हो गई अब तो वो दौड़ भी लेती है शी रंस शी वॉक्स शी राइट्स एनी एक्शन प्रोनाउन है उसके साथ वर्ब है अच्छा प्रोनाउन पिक मत करना ये एग्जाम्पल के लिए मैंने शी ही शी ही लिख रखा है आप यहां पे रवि मोहन श्याम गणेश कुछ भी लिख सकते हैं उससे फर्क नहीं पड़ने वाला तो ये वर्ब हो गई एंड शी राइट्स वो लिखती तो है लिखती है हाँ जी लिख लेती है आजकल चार पांच साल की होगी अब तो लिख लेती है प्रोनाउन है या नाम लिख दूं तो नाउन है यहां पर और राइट आपकी वर्ब हो जाएगी अब जरा स्टेप बाय स्टेप देखना जैसे मैंने पिछली स्लाइड में समझाया कि मुझे नहीं पता वेरी क्या है बिकॉज मॉडिफाई को सॉरी बिकॉज किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया था तो उसको मैंने एडवर्ब कह दिया था वक्त आने पर पढ़ेंगे वेरी इंग्लिश में एडजेक्टिव भी होता है हाँ वेरी इंग्लिश में एडजेक्टिव भी है अब एडजेक्टिव कब होगा डिस्क्रिप्शन जब किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा तो वो वेरी एडजेक्टिव भी हो जाएगा अभी नहीं फर्स्ट डे है लास्ट डे नहीं आगे बढ़े इसी सेंटेंस को मैंने आगे बढ़ा दिया वो काम करता है बिल्कुल काम करता है ही वर्क हार्ड काफी मेहनत से काम करता है अब यहां पर हार्ड क्या है तो हार्ड भी दोनों काम कर लेता है जो मुझसे पढ़ते हैं आपको हक से पता होगा किसी शब्द का मीनिंग याद करना कई बार कहा मैंने वोकैबुलरी होती है पर उसका सेंटेंस में इस्तेमाल किस तरह किया गया है वो उसकी ग्रामर या ग्रामेटिकल पैटर्न दिखा सकता है सिर्फ हिंदी याद कर लेने से इवन इंग्लिश में उसका मीनिंग समझ लेने से वो ग्रामर नहीं होती वो वोकैबुलरी है मीनिंग पता है कि नहीं पता सेंटेंस में उसका काम क्या था वो उसकी ग्रामर दिखाता है ऐसा मैंने फिर क्यों कहा हार्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ये लोहे का पेन है फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक ही ऑब्वियसली पर ये इतना ज्यादा हार्ड है कि आप इसे तोड़ नहीं सकते ये इतना हार्ड है अब जब मैंने पेन की बात की है पेन नाउन है और ये बहुत हार्ड है नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाएगा यार ये जो, जो तुम खरीद के लाए हो ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है मैंने आपसे सॉफ्ट मंगाया था तो बहुत ज्यादा हार्ड लेकर आ गए उसने मुझे एक टास्क दी थी बहुत ज्यादा कठिन काम पकड़ा दिया काम नाउन है को मॉडिफाई करोगे एडजेक्टिव हो जाएगा तो हार्ड इंग्लिश में एडजेक्टिव भी होता है पर जब आप ये सेंटेंस कहते हैं जैसे एक टीचर ही बच्चों से कहता है बेटा मेहनत मेहनत करो काफी कीजिएगा अगर आपको एग्जाम में सफल होना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस केस में में सेंटेंस हार्ड क्या था अगर वो हार्ड है आप हार्ड हैं आप जिम जाते हैं आपकी बॉडी बहुत हार्ड है तो ऑब्वियसली यहां पर एडजेक्टिव हो जाएगा बिकॉज मॉडिफाई किसी नाउन या प्रोनाउन का किया पर नहीं 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 वो काम करता है ईमानदारी से काम करता है बेईमानी से काम करता है प्रॉपर काम करता है बड़ी मेहनत से काम करता है इस केस में आपने उसका मीनिंग मॉडिफाई नहीं किया उसके काम करने का तरीका बताया है और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए तो 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 ऑब्वियसली एडवर्ब ही ही आते हैं ये मुझे आसान लगा वर्क्स हार्ड वो बहुत मेहनत करता है कड़ी मेहनत करता है वर्क काम करना हो गया हार्ड उसके लिए एडवर्ब हो जाएगी तो हाँ एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर दिया उसका बेस फंक्शन है ठीक है आसान था यहां से जरा वेरी गुड ड्रॉप करके देख लो तो वो दौड़ती है चलती है बहुत तेज चलती है आप तेज नहीं है पर आप चलते हैं और तेज चलते हैं किसी वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब कर लेती है तो ये काम एडवर्ब ने कर लिया और वो लिखती है यार बहुत सुंदरता से लिखती है शी राइट्स ब्यूटिफुली बहुत सावधानी पूर्वक लिखती है शी राइट्स केयरफुली वो ऐसे लिखती है वैसे लिखती है एक लाइन छोड़कर लिखती है एक के ऊपर एक लिखती है एनीथिंग सच लिखने का मीनिंग मॉडिफाई किया है आपकी बात नहीं हो रही कि आप केयरफुल हैं आप सुंदर हैं आप बदसूरत हैं आप पैसे वाले हैं आप गरीब हैं आप लिखते तो हैं पर बहुत गंदगी से लिखते हो थोड़ा थोड़ा बेटा साफ साफ सफाई से लिखा करो। थोड़ा साफ लिखा करो सुथरा कीजिए अब उस केस में आपके लिखने का तरीका बताया है और लिखना वर्ब है वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब कर सकती है तो हाँ जी यहां भी क्लियर है राइट जो वर्ब थी उसको मॉडिफाई करने के लिए हमने एक एडवर्ब यूज की दो तीन सेंटेंस थे इतना देख लेते हैं ही वर्ग काम करता है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब वो चलती है दौड़ती है और वो लिखती है एक एक शब्द एक्स्ट्रा लगा दिया ही वर्क हार्ड वो कठिन परिश्रम करता है बहुत कड़ी मेहनत करता है वो बहुत तेज चलती है और वो बहुत सुंदरता से लिखती है बहुत ध्यान पूर्वक लिखती है वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करती है फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने एक शब्द यहां पर ऐड कर दिया ही वर्क वेरी हार्ड या फिर ऐसे लिख लेते हैं इसको ही वर्क वेरी हार्ड अब अपने आप में हार्ड एक एडवर्ब थी कि वो काम करता है कठिन परिश्रम करता है वो बहुत मेहनत से काम करता है वो काम करता है वर्ब, मेहनत से काम करता है एडवर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए वो कड़ी मेहनत से काम करता है बहुत मेहनत से काम करता है अब यहां पर वेरी क्या है अब वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है अब वेरी ने हार्ड को मॉडिफाई किया वेरी हार्ड बहुत कठिन परिश्रम करता है हार्ड तो पहले से एडवर्ब थी और एडवर्ब्स को कौन मॉडिफाई कर सकता है तो वो काम ऑब्वियसली किसका होगा वो भी हमेशा अलग -अलग करने के लिए ब्यूटिफुल किसी को मॉडिफाई करने के लिए रिच पर यहां एडवर्ब है किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए सर ये समझ नहीं आया एक बार वापस बताएंगे दोबारा देख लेते हैं एक नए सिरे से आप चलते हैं दौड़ते हैं आप बहुत तेज दौड़ते हैं आप गाड़ी चलाते हो हाँ जी आई ड्राइव बहुत तेज गाड़ी चलाते हो या बहुत शब्द को हटा दू आप गाड़ी चलाते हैं कल मैंने आपको देखा था आप गाड़ी तेज चलाते हैं आप तेज गाड़ी चलाते हैं अब गाड़ी चलाना वर्ब है फॉर एग्जाम्पल इस केस में फास्ट यूज कर लिया तो फास्ट क्या हो जाएगी एडवर्ब मैंने देखा था आप तेज गाड़ी चलाते हैं तेज नहीं चलाते आप तो कुछ ज्यादा ही तेज चलाते हैं आप तो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं अब यहां पर किसके लिए लिए। है? है है? है। के पहले से एक adverb है, और adverbs को modify कौन कर कर सकता है? वो काम भी adverb कर लेता है. तो हिंदी के लिए था. को गाड़ी चलाते हैं. भाई साहब आप कुछ ज्यादा ही तेज गाड़ी चलाते हैं आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं एक रोज का हमारा स्टेटमेंट है आप गाड़ी चलाते हैं तेज चलाते हैं बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं और किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम भी सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब ही कर सकती है आप लिखते हैं सुंदरता से लिखते हैं ध्यानपूर्वक लिखते हैं बहुत ज्यादा सुंदरता से लिखते हैं बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक लिखते हैं आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होगी इस केस में वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है किसी और एडवर्ब को और एडवर्ब को मॉडिफाई कौन कर सकता है वो काम भी एडवर्ब ही करती है आगे कोई डाउट आएगी तो अभी कह दूं कि ये मत सोचना कि वेरी एडवर्ब है

आई होप सो क्लियर होगा बहुत लॉजिकली समझाए सर आपने बोला था प्रीपोजिशंस को भी मॉडिफाई कर लेते हैं ठीक है सर प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर लेते हैं द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट पार्सिंग कर लीजिएगा एन ईगल सब्जेक्ट हो गया वैसे ईगल नाउन है पक्षी है नाम है किसी का आर्टिकल कह दीजिएगा इसको एडजेक्टिव कह दीजिएगा फ्लाई की सेकंड फॉर्म वर्ब है और माय हेड कलेक्टिवली देखोगे तो नाउन है अदरवाइज हेड नाउन में आ जाएगा माय पजेसिव एडजेक्टिव है मैं ऐसे कह दूं ये पहला वाला पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है हालांकि वर्ब का नहीं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कैसे पता है? ये प्रीपोजिशन है एक बाज मेरे सर के ऊपर से निकल गया मैं आ रहा था मेरे सर के ऊपर से एक बाज निकल गया सर के ऊपर से निकला था पोजीशन पैरों के नीचे से निकला था पोजिशन मेरे बगल से निकला था पोजिशन मेरे सामने से ही निकला था वो पोजिशन मेरे पीछे से निकला था पोजिशन पोजिशन दिखाने का काम प्रपोजिशन ही करते हैं तो वो तो हम वैसे भी जानते हैं अब ओवर ऐसे शब्द हमेशा प्रपोजिशन का ही काम करते हैं ओवर अब अंडर बिलो ऑन अपॉन एट इन अक्सर प्रपोजिशन ही होते हैं फर्स्ट so स्टेटमेंट एक बाज मेरे सर के ऊपर से निकल गया Position है है ओवर कितना ऊपर से निकला अब ये नहीं पता कितना ऊपर से निकला बस ऊपर से निकला था नीचे से थोड़ी निकला था ऊपर से निकला था तो वो काम प्रिपोजिशन का हो जाता है ठीक है कई बार हम लोग बोलते हैं पापा गए है? पापा तो ऑफिस गए कब गए थे अब गए ऑफिस ये ठीक है अरे जस्ट अभी अभी गए जस्ट अभी गए हैं अभी गए हैं जस्ट अभी गए हैं थोड़ा उसी बात को मॉडिफाई कर दिया किसी का मीनिंग मॉडिफाई कर दिया मेरे सर के ऊपर से निकला था तो वो तो तीन किलोमीटर ऊपर से निकला था दिन भर हमारे सर के ऊपर से कितने सारे प्लेन गुजरते हैं हमें भी नहीं पता और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता मान लो कोई प्लेन बहुत नजदीकी से चला जाए वो देख यार प्लेन कितना नीचे से जा रहा है कितना नीचा कितना नीचा है आपने उसकी पोजिशन को मॉडिफाई कर दिया नीचे है या ऊपर है पर कितना नीचे है

भाई गाड़ी तुम्हारे बगल से निकल गई थी अरे तो काफी दूर, काफी दूर नहीं थी जस्ट बगल से गुजरी है जस्ट बगल से गुजरी थी वो मेरे बगल में बैठी थी तो वो थोड़ा ये भी हो सकता है डिस्टेंस वो मेरे जस्ट बगल में बैठी थी इस केस में आपने डिस्टेंस मॉडिफाई कर दी पोजिशन मॉडिफाई कर दी अब पोजिशन कौन दिखाता है प्रपोजिशन को मॉडिफाई कौन कर सकता है एडवर्ब एडवर्ब आलू की तरह नहीं है कहीं भी बना लो किसी भी सब्जी में डाल दो सब बन जाता है आलू हो गया बस तो ये अपना पार्ट ऑफ स्पीच का आलू है सब मॉडिफाई कर लेता है बट लॉजिकली ग्रामेटिकली तो ऑब्वियसली फ्लाई थी ओवर प्रपोजिशन था ऊपर से निकला था जस्ट ऊपर से निकला था को तो मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हमेशा एडवर्ब ही कहा जाता है द पिक्चर जो फोटो है इज अब आई लेवल ये मेरे जो लेवल है देखने का उससे थोड़ा ऊपर ही है

नीचे करना है पोजिशन थोड़ा और ऊपर कर दीजिएगा थोड़ा सा और ऊपर कर देना हाँ अभी व्यू ठीक बन रहा है ये क्या है पोजिशन मॉडिफाई की अब या बिलो या ओवर, या ओवर अंडर ऑन अपॉन लेकिन उसको भी भी मॉडिफाई मॉडिफाई कर कर दिया को रहे हो स्लाइटली याबव माई हेड थोड़ा सा इससे ऊपर कर दीजिएगा वो स्लाइटली क्या है एडवर्ब होगी बिकॉज किसको मॉडिफाई किया अब किसी प्रपोजिशन को मॉडिफाई किया तो प्रपोजिशन को मॉडिफाई करने का काम भी हमेशा एडवर्ब ही कर लेती है पाक the scooter आपने अपनी गाड़ी पार्क कर दी सब्जेक्ट है वर्ब है सामने है, तो पूरा पूरा आपने गाड़ी पार्क की, की, की थी पर भाई थोड़ा दूर लगा देते तुमने तो बिल्कुल ही गेट पर खड़ी कर दी ये क्या है आपने गाड़ी गेट पर खड़ी की मना नहीं किया पर थोड़ा साइड कर देते आपने तो एग्जैक्टली मेरे गेट पर ही खड़ी कर दी है मैं निकलूंगा कहां से हम लोग कहां से निकलेंगे अब उस केस में एट द गेट पोजिशन दिखाएगा बिकॉज एट क्या है प्रपोजिशन पर थोड़ा दूरी पर थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा आगे ये काम किसके हैं यह हमेशा एडवर्ब करती है तो जस्ट एट द गेट अब ये जस्ट क्या है जस्ट एक एडवर्ब है मॉडिफाइंग अ तो किसी प्रपोजिशन को मॉडिफाई करने का काम भी एडवर्ब ही कर लेती है एक वर्ब को एडवर्ब को एडजेक्टिव को प्रपोजिशन को एडवर्ब मॉडिफाई कर सकती है को भी कर ही लेगी सर अब इतना आपने करा दिया तो वो भी हो जाएगा तो ठीक है काम कंजंक्शन का कर लेते हैं और वो जोड़ना किन्हीं दो शब्दों का हो सकता है फ्रेज का हो सकता है क्लॉज का हो सकता है पूरे के पूरे सेंटेंस भी हो सकते हैं राम इज गोइंग टू दिल्ली श्याम इज गोइंग टू दिल्ली राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली यहाँ पर राम और श्याम दो सब्जेक्ट थे जो एंड कंजंक्शन की सहायता सहायता से जुड़े थे तो उसे आपने कंजंक्शन कह दिया इसको भी चेक कर लेते हैं हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया था आई वाज लेट एक पूरा का पूरा सेंटेंस है क्यों लेट हुए थे अरे यार वो ट्रेन लेट हो गई थी द ट्रेन वाज लेट ये भी एक पूरा का पूरा सेंटेंस है सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 मैंने एस1 एस2 लिख दिया आई वाज लेट हम लेट था क्योंकि ट्रेन लेट थी

सिर्फ एक ही रीजन है सिर्फ इसी वजह से लेट हुआ था कि ट्रेन लेट हो गई थी इसके अलावा कोई भी दूसरा रीजन मेरे पास नहीं है बिकॉज कंजंक्शन है पिछले स्टेटमेंट्स में जो पिछली स्लाइड थी उसमें जो हमने यूज किया था जस्ट ओवर जस्ट ओवर जस्ट बिलो जस्ट एट जस्ट ने किसी एट को मॉडिफाई किया जो प्रपोजिशन था को मॉडिफाई एडवर्ब कर लेती है पर यहां पर जस्ट के पास प्रपोजिशन नहीं है कंजंक्शन है और कंजंक्शन को कौन मॉडिफाई कर सकता है वही काम किसका है वो भी आलू का ही है एडवर्ब का ही है तो वो काम भी हमेशा एडवर्व कर सकते हैं आई वॉज लेट जस्ट बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट मैं लेट हुआ था क्योंकि ट्रेन लेट हो गई थी कंजंक्शन है बिकॉज सिर्फ इसी वजह से कि ट्रेन लेट हुई थी मैं लेट हुआ था आई वॉज लेट जस्ट बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट तो वहां जस्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है बिकॉज को कंजंक्शन को भी एडवर्ब मॉडिफाई कर सकती है आई लाइक हर मुझे वो बहुत पसंद है एक पूरा सेंटेंस है शी इज ब्यूटिफुल मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है वो सुंदर है एक दूसरा सेंटेंस है आपको वो क्यों पसंद है बिकॉज वो सुंदर है उसकी आदतें है ऐसी हैं वैसी हैं ईटीसी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और क्या रीजन है नहीं नहीं कोई रीजन नहीं है सिर्फ इसी वजह से बिकॉज वो सुंदर है मुझे पसंद है सिर्फ इस वजह से कि उसकी आंखें ऐसी हैं मुझे पसंद है ईटीसी बिकॉज वापस यहां पर कंजंक्शन है बिकॉज आपने किन्हीं दो सेंटेंसेस को एड किया है और अगर आपने कंजंक्शन को मॉडिफाई किया तो वो काम किसका रहेगा वो एडवर्ब का रहेगा आई लाइक हर नहीं बहुत ज्यादा फैंटेसी तो नहीं है मेरी आई लाइक हर सिंपली बिकॉज शी इज ब्यूटिफुल सिर्फ इसी वजह से कि वो सुंदर है मुझे वो बहुत पसंद है अब सिंपली क्या कर रहा है बिकॉज को मॉडिफाई किया बिकॉज क्या था कंजंक्शन को मॉडिफाई कौन कर सकता है वो काम भी हमेशा एडवर्ब्स का ही होता है तो आई रिपीट बिकॉज कंजंक्शन जस्ट से मॉडिफाई करा दिया एडवर्ब सिंपली से मॉडिफाई करा दिया एडवर्ब जस्ट से तो हमने एड को भी मॉडिफाई किया था एडवर्ब पर मॉडिफाइंग का कंजंक्शन नहीं तब वो प्रोपोजिशन था After all, same slide वापस कह सकता हूं आप एबजेक्टिव को मॉडिफाई करो वर्ब को मॉडिफाई करो एडवर्ब को मॉडिफाई करो किसी प्रपोजिशन को मॉडिफाई कीजिए कंजंक्शन को मॉडिफाई कीजिए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई एडवर्ब ही कर सकती है आई होपो इसमें कोई शिकायत नहीं होगी होगी तो आप लिख सकते हैं

सर आंसर आ गया कितना ट्वेंटी टू सर सही है अब आपका स्टेटमेंट था हाँ बेटा आप सही हैं यू आर राइट आप सही हैं यू आर राइट आप सही हैं बच्चा खुश हो गया यार मेरा आंसर सही है सबसे पहले मैंने करके दिया वो चतुर राम लिंगम वाली स्टाइल हाँ. हाँ. अब मैं सही हूं मैं आराम से खुश भी बैठा हुआ हूं मुझे दिक्कत ही नहीं है मेरा तो सवाल हो भी गया मेरा आंसर भी सही है थोड़ी देर बाद सर ही कंफ्यूज हो गए पता नहीं यार इस वाली बुक में इसका आंसर ये है इस वाली में ये है जैसे आजकल गूगल कंफ्यूज कर देता है ग्रामेटिकल चीजों के लिए गूगल पे तो ये भी मिल गया था अब सर बोलते हैं नहीं नहीं बेटा एक सेकंड सुनना यू आर राइट एक सेंटेंस था जिसका मतलब था आप सही है डाउट ही नहीं अपन तो सही है इस पूरे सेंटेंस के आगे मैंने एक शब्द लिख दिया प्रॉबेबली यू आर राइट प्रोबेबली का मतलब आप सब जानते हैं शायद परहैप्स यू आर राइट शायद अब बेचारा वो खुश था बिकॉज उसका सवाल सही हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सही हैं यस yes. शायद आप सही हैं अब ये जो शायद है प्रॉबेबली परहैप्स और एनीथिंग सच उसने किसी एक शब्द का मीनिंग मॉडिफाई नहीं किया कि प्रॉबेबली ही शायद तुम शायद है शायद सही शायद आप सही हैं अब इस सेंटेंस का एक मतलब नहीं बचा अब इस पूरे सेंटेंस का ही मीनिंग चेंज हो गया बिकॉज शायद अब वो सही भी हो सकता है पर शायद अब वो गलत भी हो सकता है तो यहां किसी शब्द को थोड़ी चेंज किया पूरा का पूरा सेंटेंस मॉडिफाई कर दिया जैसे मैथमेटिक्स दिखाता है थ्री माइनस फाइव ये मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं क्यों घर घर जाकर लगाऊं कि दोनों में माइनस लगा दूं ये लगा दिया हो गया काम ये भी एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकती है अब इंग्लिश में ब्रैकेट नहीं होते तो हमें ये देखेगा नहीं कि ये इस तरह से मॉडिफाई किया लेकिन हाँ आप सही है सही है शायद आप सही हैं। अब इसके दो मतलब हैं आप सही हो भी सकते हैं आप सही नहीं भी हो सकते भैया ट्रेन आ गई क्या हाँ हाँ ट्रेन आ गई क्यों भैया ट्रेन गई क्या हाँ हाँ गई इन शब्दों में क्लैरिटी है कि ट्रेन आ गई तो पक्का हो गया ट्रेन गई तो अब मुझे किसी और ट्रेन से जाना पड़ेगा भैया पक्का आ गई ना पक्का निकल गई ना यार वे ट्रेन भाई किसी और से पूछ लो शायद निकल गई अब जब आपने कहा शायद ट्रेन जा चुकी है पता नहीं हो सकता है चली भी गई हो, हो सकता है ना भी गई हो किसी एक शब्द को नहीं आपने पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया कुछ और एग्जाम्पल इसको आगे देखते हैं मान लो मैं आपको बोल दू फॉर आई क्वालिफाइड एग्जाम्पलिफाइड पता है फॉर आई एस क्वालिफाई किया हुआ है क्या बात कर रहे हैं सर हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं भाई इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है आईएएस सबसे ज्यादा अच्छी पोस्ट मिलती है आईएएस से तो औकात ही अलग है सर आपकी इज्जत आज और बढ़ गई आपने आईएएस एस क्वालिफाई किया हुआ है फॉर एग्जांपल कर दू आईएस का नाम खराब नहीं करूंगा एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए अब मैंने यहीं पर लिख दिया पैसे देकर मैंने आई एस क्वालिफाई किया तो लगाकर मेरा सिलेक्शन हो गया होते हैं कई बार ऐसे दोस्त वोस्त होते हैं हमारे के कुछ उधम करके आए थे एग्जामिनेशन में फिर भी सिलेक्शन हो गया यार मैंने तो इतनी मेहनत की थी मेरे इतने परसेंटेज बने ये पढ़ता भी नहीं था फिर भी इसका सिलेक्शन हो गया कैसे जैसे वही ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमें पता चला थ्री इडियट्स दोस्त फेल हो जाए दुख होता है पर दोस्त ज्यादा अच्छा करे तो ज्यादा दुख होता है वो सेम यहां पर भी है मैंने अगर आई एस क्वालिफाई किया मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया मैंने वो काम कर लिया तो मेरी मेहनत की दम पर किया आप मेरी इज्जत करेंगे मैंने पैसे देके क्वालिफाई किया मैंने जुगाड़ लगाकर क्वालिफाई कर लिया मैंने तुक्के मार के क्वालिफाई कर लिया अब आप मेरी वो इज्जत नहीं करने वाले जो एक आई एस क्वालिफाई करने वाले इंसान की होती है बिकॉज उसने अपनी मेहनत पर किया था मैंने तो पैसे दे के किया था मैंने तो रेफरेंस लगाकर किया था एनीथिंग सच अब मेरा मीनिंग चेंज नहीं है चेंज नहीं है पर पूरे सेंटेंस का मीनिंग आप चेंज कर सकते हैं अक्सर जो शुरुआत में लिखी जाती है वो मॉडिफाई करने का लगी तो नहीं नहीं, नहीं, नहीं। भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ कोई परेशानी नहीं है सब बढ़िया है चलो थैंक गॉड यारगी नहीं बिल्कुल भी इस केस में पूरा सेंटेंस है ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी इसके आगे मैंने लिख दिया फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से बस भाग्यवश फॉर्चुनेटली टी एम सॉरी receive any injury बस भगवान की दया से ये कह लो कि उसके लगी बिल्कुल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अच्छी बात है अब उसके नहीं लगी शॉ भगवान की दया से उसके बिल्कुल नहीं लगी अब एक शब्द को मॉडिफाई नहीं किया कि fortunately ही के बगल में है तो सिर्फ वो शायद वो भगवान की दया से वो एक शब्द के लिए नहीं पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने का काम भी एडवर्ब ही कर सकती है मैं एक बार वापस वही चीजें रिकॉल करूं जहां से शुरू किया था कि एडवर्ब आलू की तरह फॉर ह्यूमर सब को मॉडिफाई कर सकती है नाउन को मॉडिफाई प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव का था तो वो तो हो ही जाता है इंटरजेक्शन मॉडिफाई होते नहीं है को छोड़कर एक एडजेक्टिव को एक वर्ब को एक एडवर्ब को प्रपोजिशन को कंजंक्शन को या फिर पूरे के पूरे सेंटेंस को भी एडवर्ब ही मॉडिफाई कर सकती है जो स्टेप बाय स्टेप स्लाइड्स के सहारे एग्जांपल्स के सहारे आपको मार्क किया ये फर्स्ट इमेज है लास्ट इमेज नहीं है आगे और देखेंगे इन चीजों को कि एडवर्ब्स के क्या टाइप्स हैं सिंपल एडवर्ब्स रिलेटिव एडवर्ब्स इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और मैनर प्लेस टाइम फ्रीक्वेंसी क्या-क्या दिखा सकती हैं वो सारा आगे देखते रहेंगे शुक्रिया फॉर बीइंग हियर रिक्वेस्ट वही होगी एक बार चैनल खोलना प्लेलिस्ट चेक करना जैसा शुरुआत में आपसे कहा हर चीज मौजूद है ग्रामर मैक्सिमम और अपलोड हो रही है कोई इस वीडियो को बाद में देख रहा है तो एक बार चेक करना आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर मिल चुकी होगी वोकैबुलरी के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर जो बच्चे कनेक्टेड हैं 2019, हजार 20, उन्नीस और आपको आगे भी मिलते रहेंगे स्टे कनेक्टेड ऑनस्टली और कुछ वीडियो पैराजल सेंटेंस रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट के भी मौजूद हैं प्लेलिस्ट ओपन करके चेक कर लीजिएगा अपार्ट फ्रॉम दिस मैं डेली स्वागत है, welcome, है मेरी आप पर मेरे साथ पढ़ें। और जल्दी से अपनी नौकरी सिक्योर करकेडमी का, का प्लस पर है बैंकिंग स्ट्रीम में शाम सात और आठ बजे मैं वहां डेली पढ़ाता हूं आप मुझे मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर ग्रामर शाम सात बजे डेली और प्रैक्टिस आठ बजे और आप मेरे साथ पढ़ना चाहें मेरी ऐप पर आ सकते हैं डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से इंग्लिश बाय कपल देव शर्मा अगले छह महीने में ये इमेज चेंज नहीं कर पाई नो no. नवंबर 2021 नहीं मार्च अप्रैल या फिर मई जून 2022 तक जो एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए मैं अपनी ऐप पर पढ़ा रहा हूं विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपल देव शर्मा एक बार चेक कर लीजिएगा डाउनलोड करके आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेशंस भी उसमें रहेंगे वीडियोस ऑन डिमांड भी अवेलेबल है आप कभी तो फ्री हो तो एक मेरा म्यूजिक चैनल भी है थोड़ा शौक है म्यूजिक का कभी कभार गा लेता हूँ कुछ वीडियोस वहां पड़े एक बार चेक कर लीजिएगा विद द सेम नेम कपिल म्यूजिक बॉय एंड फॉलो मी इट इंस्टाग्राम विद द सेम नेम कपिल म्यूजिक बॉय ट्विटर भी सेम हैंडल से है एक बार चेक कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इंग्लिश फाय कपल देव शर्मा क्लासेस की नोटिफिकेशन डेली वो सर वो पांच बजे वाली फ्री क्लास कहां होती है वो टेलीग्राम पे आपको डेली लिंक मिल जाएगी क्लास के दौरान भी लाइव होने से पहले भी और उसकी पीडीएफ उसके जस बात सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी तो वहां से देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से मिल सकते हैं Facebook page आप चाहें तो तो देख लीजिएगा पर 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 और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहें, तो an Academy प्लस पर आ सकते हैं banking stream में, जहां पर एक के बाद आप उस स्ट्रीम के किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट बैच एजुकेटर कोर्स कहीं भी पढ़ सकते हैं जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया अब मेरी मर्जी मेरे को क्या देखना है मैटर तो बैंकिंग में आप किसी भी टीचर से किसी भी एजुकेटर से किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी बैच कोर्स एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं या ऐसे किसी भी स्ट्रीम में फॉर एसएससी बैंकिंग यूपीएससी एनडीए डिफेंस एयरफोर्स प्लस एस लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मेरा कोड यूज करके फ्लैट टेन परसेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं विद द सेम नेम कपिल सर ये प्रोमो कोड के साथ हूँ तो एक बार देख लीजिएगा पर हर चीज की तैयारी वहां भी आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल जाती है शुक्रिया फॉर बींग थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और हां नेक्स्ट वीडियो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स का रहेगा और तब तक के लिए शुक्रिया काइंडली बी सेफ अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा थैंक्स अलॉट फॉर बींगे दिस इज कपिलेव शर्मा ऑलवेज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शर्मा